ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट का नंबर, और उस एक्सपेरिमेंट जिस दिन आप परफॉर्म करेंगे उसका डेट नोट कर लीजिए। एम है इसका व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से प्लेटिनम रॉड के प्रतिरोध के ताप गुणांक ज्ञात करना, टू डिटरमाइन द टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम रॉड विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या चाहिए आपको? पावर सप्लाई चाहिए, प्लेटिनम रेजिस्टर चाहिए या प्लेटिनम रॉड चाहिए, इलेक्ट्रिक कैटल चाहिए, थर्मामीटर चाहिए, और कनेक्टिंग वायर्स ले लीजिएगा। ये आप लिखेंगे एपरेटस रिक्वायरमेंट में। एक्चुअल में आपके लैब में इसका बोर्ड है, लेकिन एपरेटस रिक्वायरमेंट के लिए बोर्ड ना लिख करके उसके पार्ट्स को आप इस तरीके से लिखेंगे और ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप। ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला पार्ट है, ठीक है, और ये आपका प्लेटिनम रॉड है, और यहां थर्मामीटर लगा दिया, और ये गैल्वेनोमीटर है। ये ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद में, ड्रॉ करने के बाद आप इस थ्योरी पे आइएंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता है जिसके फोर साइड्स होते हैं, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस वाला कंडीशन आया था ना, उसी को आप लिखिएगा। पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, अगर ये बैलेंस सर्किट है तो इसमें तीन जो रजिस्टर होते हैं ना वो नोन होते हैं, और ये फोर्थ वाला जो रहता है वो अननोन रहता है। इसी अननोन में हम लोग प्लेटिनम रजिस्टर को लगा देंगे, और ये जो आर होता है ना इसी को एडजस्ट करके हम लोग इस कंडीशन को लाएंगे। देखिए, इसको लगा देंगे और इस आर के थ्रू बैलेंस करेंगे अपने सर्किट को। बैलेंस करने का मतलब आपके गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए। ठीक, लिखा। अब उसके साथ ये भी लिख लीजिएगा, बैलेंस होने का मतलब ही है गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए। क्लियर? ये थ्योरी वाला पार्ट है। अब हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करके देख लेते हैं। देखिए, अगर एस की वैल्यू निकालनी है और बैलेंस है तो एस इज इक्वल टू आर क्यू बाई पी होगा। एस की वैल्यू अगर निकालें तो आर क्यू बाई पी हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे यहां? अगर आपको प्लेटिनम रजिस्टर के टेम्परेचर कॉफिशियंट निकालना है, ताप गुणांक का मान निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, वाई वन टी टू माइनस वाई टू टी वन पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस ये निकलेगा। यहां वाई टू कहने का मतलब क्या हुआ और वाई वन कहने का मतलब क्या है? वाई वन कहने का मतलब है प्लेटिनम तार का प्रतिरोध, हाँ, 81 डिग्री सेल्सियस। वाई टू कहने का मतलब क्या है? प्लेटिनम का प्रतिरोध जब टी टू टेम्परेचर पे आएंगे। क्लियर हो गया? ये सब चीजें पता चल गई आपको, वाई टू वाई वन टी टू टी वन। ठीक, अब हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए अपना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आपका रेजिस्टेंस थर्मामेट्री का एपरेटस है और ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। इस ब्रिज के बी पॉइंट को, ये बी को टर्मिनल को और इस ई टर्मिनल को अपने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दीजिए। फिर अपना प्लेटिनम रॉड लीजिएगा, ये प्लेटिनम रॉड है। इस प्लेटिनम रॉड को यहाँ डी और ई टर्मिनल या एस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। यहां देखिए, इसको ये फाइन एडजस्टमेंट है रेजिस्टेंस का, इसी के थ्रू जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा उसको इस पोजीशन पे लाके सेट करेंगे। लेकिन इसमें ना ध्यान दीजिए, इसके दो स्केल बने होंगे, एक यहां दिखेगा आपको यहां पे ये, और एक सर्कुलर स्केल दिखेगा। तो ये जो स्केल बना हुआ है यहां, इसका हर यूनिट 10 ओम के इक्वल है। टोटल टर्न कितने हैं इसके? 10 टर्न हो सकते हैं। इसको पूरा टर्न करवाएंगे, कितने टर्न है इसमें? 10 टर्न है, और हर टर्न कितने ओम का है? 10 ओम का है। तो
एक टन कितने ओम का है? 10 ओम का। इसमें टोटल लाइन कितने बने हैं देखना, इसमें तो 100 बने हैं, 0 से लेकर के 100 तक। मतलब 10 ओम इसका रीडिंग हुआ और सर्कुलर का रीडिंग दिख रहा होगा आपको 100, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.1 ओम इसका लीस्ट काउंट लिखेंगे आप। ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रिक केटल है आपका, इलेक्ट्रिक केतली है आपकी, इसके टेम्परेचर को आप थर्मामीटर से नोट कर लीजिए। ये थर्मामीटर से इसको नोट किया, 20 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। इसमें अपने इस प्लेटिनम रॉड को आपने इंसर्ट कर दिया, इसको 0 पे सेट कर दिया और मेन सप्लाई जैसी ऑन करेंगे, ध्यान दीजिए आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो गया है। हो गया। अब इस डिफ्लेक्शन के लिए इसको आप धीरे धीरे रोटेट करिए। देखिए आपका नेडिल, ये नेडिल 0 की ओर जा रहा है, 0 पे एकदम परपेंडिकुलर रह के इसको 0 के लिए सेट कर लिया। यहाँ पे रीडिंग अगर देखें आप तो 80 के बाद तीसरा लाइन है और 5 लाइनें हैं, 80 के बाद 90 के बीच में 5 लाइनें हैं, तो तीसरा लाइन कितना हो जाएगा? 6 का, तो 86 आया। इस सर्कल वाले का रीडिंग 86 और इसका रीडिंग 0, इसका रीडिंग 0 और इसका इसका कितना? 86। तो टोटल कितने ओम का रेजिस्टेंस बना इसके लिए? आप क्या कर दीजिए इसको 0, और हर टर्न को मैं कहा था 10 ओम का होता है, तो 0 है मतलब 10 ओम तो नहीं रहेगा, 0 × 10 कर लीजिए फिर भी, प्लस प्लस इसका रीडिंग 86 इंटू लीस्ट काउंट 0.1 ओम का लीस्ट काउंट, तो कितना हुआ जी? 8.6 ओम आया ये। और चूंकि इस आर के साथ, यहां देखिए इस आर के साथ ये 100 ओम सीरीज में है, तो जो ये 8.6 आया है उसमें इस 100 को प्लस कर दीजिएगा, तो 108.6 ओम आ गया इसका रीडिंग। तो सबसे पहले क्या नोट कर लिया आपने? अपना टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे कितना है। ठीक है, 0 डिफ्लेक्शन लाने के लिए रेजिस्टेंस कितना देना पड़ा इसको भी नोट कर लिया। अब क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक केटल को सप्लाई देते हैं और पानी को गर्म करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ देखिए इस इलेक्ट्रिक केटल में या इस विद्युत केतली के अंदर का जो पानी है वो बॉयल होना शुरू हो गया है। इसका टेम्परेचर में देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये देखिए थर्मामीटर को लगाया, थर्मामीटर को यहाँ लगा के इसका टेम्परेचर अगर 100 हो जाए और आपका गैल्वेनोमीटर क्या होते जाएगा? डिफ्लेक्ट होते जाएगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आते जाएगा। उसको फिर इसको रोटेट करवाएंगे हम लोग, और रोटेट करवा करके इसके 0 डिफ्लेक्शन वाले पोजीशन पे गैल्वेनोमीटर को सेट करेंगे। उसके लिए भी यही कैलकुलेशन करेंगे कि जितना टर्न आएगा इसमें उसमें 10 का इंटू कर देंगे और उसके बाद प्लस करके ये जो सर्कुलर का रीडिंग दिखेगा उसमें 0.1 का इंटू करेंगे और 100 प्लस करके टोटल रेजिस्टेंस लिख देंगे और कैलकुलेट करेंगे। ठीक। ये ऑब्जर्वेशन आपके सामने है, ये देखिए एक्सपेरिमेंट के बाद में रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर प्लेटिनम रॉड के प्रतिरोध के लिए क्या लिखेंगे? कमरे के ताप पर प्लेटिनम रॉड के प्रतिरोध के लिए लिखा, फिर फर्स्ट रूम टेम्परेचर, यहां लिखेंगे कमरे का ताप, या इनिशियल टेम्परेचर प्रारंभिक ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पानी का, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लेटिनम रॉड का प्रतिरोध, जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप हो, कितना आया था? वर्नियर मेन स्केल दिखा था 0 और सर्कुलर में मिला था 86। टोटल रीडिंग निकालने का तरीका
हम लोग एक्सपेरिमेंट करते करते डिस्कस किए थे, 108.6 कैसे आएगा सोचिए। क्लियर है ना? चलिए बी पॉइंट लिखिए, बी पॉइंट लिखिए, यहां लिखिए प्लेटिनम तार का प्रतिरोध एट हाईएस्ट टेम्परेचर, ठीक है, वाष्पीकरण पे ताप T2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका जल जब उबलने लगता है, पानी जब बॉइल होने लगता है, उस टाइम पे उसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्लेटिनम तार का प्रतिरोध जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप हो, प्लेटिनम तार का प्रतिरोध जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप हो, तो वहां कितना आया, 3 दिख रहा था, 3 मतलब हर एक पॉइंट 10 ओम के इक्वल है, तो 3 मतलब 30। यहां दिखा 75 के साथ 0.1 और 100 ऐड कर देंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध 100 ओम जुड़ा हुआ है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, प्रतिरोध जुड़ जाते हैं। कितना आ गया, 137.5। देखिए भाई, T1 मिला, Y1 मिला, T2 मिला, Y2 मिला, अपने फॉर्मूले में रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेट अगर करते हैं तो देखिए, ये T1, T2, Y1, Y2 का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करिए, रखिए इस फॉर्मूला में, क्या मिला, 137.5 माइनस 108.6, 108.6 इंटू 100 माइनस 137.5 इंटू 20, कितना आया, 28.9। ये कितना हो गया, 10,860 माइनस 2,750, माइनस करके सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल रहा है ये 0.0036 पर डिग्री सेल्सियस, ये रिजल्ट है। लिखिए, क्या लिखेंगे, कि आपके प्लेटिनम रॉड के प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.0036 डिग्री सेल्सियस है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम रॉड, ये है, ये प्रिकॉशन है, कनेक्शन प्रॉपर करना है, सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग करना है, और पानी में उच्च तापमान पर रखे प्लेटिनम प्रतिरोध और थर्मामीटर को केतली से बाहर शीघ्र नहीं निकालेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर पर रहता है वो, तो थोड़ा देर रुक जाएंगे, ठीक।